दैत्यों के राजा बलि ने यज्ञ आरंभ कर दिया, तभी भगवान नारायण वामन अवतार लेकर विराजमान हो गए। तीन पग धरती मांगी और राजा बलि का इसी में उद्धार कर दिया। आइए सुनते हैं पूरी कथा प्रसंग अपने गुरुवर संत श्री आशाराम जी बापू से। भगवान का चिंतन करने से पापों का अंत, अज्ञान का अंत, दुखों का अंत बन जाते संत। भगवान का ध्यान संत बना देता है। भगवान का ज्ञान, भगवान का ध्यान दुखों का अंत कर देता है, अहंकार का अंत कर देता है, पापों का अंत कर देता है। छोटा व्यक्ति भी संत बन जाता है। ओम नारायणाय गोविंदाय अच्युताय गोविंदाय अनंताय नाम भेषजाम नश्यन्ति सर्वरोगाणि सत्यं सत्यं वदामि अहम्। अच्युत गोविंद अनंत ये भगवान के नाम है। इसका स्मरण करने से रोग नष्ट हो जाते, पाप नष्ट हो जाते, भगवान हृदय में आ विराजते। पहलाज का पौत्र, विरोचन का पुत्र राजा बलि को प्रहलाद ने कहा, जाओ बेटा अब सब भगवान का है, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए लोगों के मंगल कार्य में अपना धन लगाओ, अपनी बुद्धि लगाओ, अपना समय लगाओ, लोगों का भला हो, लोगों का भला। लोगों को ठगना, हमारा नाम हो, बड़ा घाटे का काम है। लोगों से हमको कुछ मिले, बड़ा घाटा है। हमारे से लोगों को मिले, बड़ा फायदा है। जैसे बोर में से पानी निकालते तो अंदर का नया झरना पानी देता रहता है, ऐसे दूसरों की भलाई का सोचते, दूसरों का सुख का सोचते, दूसरों की तंदुरुस्ती का सोचते तो अपने अंदर से कुछ का कुछ ज्ञान आता है। जो लोग भगवान के नाते काम नहीं करते उनको स्वस्थ रहने के लिए औषधियां, टॉनिक ये लेना पड़ता है, उनको खुशी के लिए पिक्चर देखना पड़ता है, फैशन करना पड़ता है, उनको ज्ञान के लिए किताब रखने पड़ते। लेकिन जो भगवान का ध्यान करते, भगवान की स्मृति करते, भगवान को प्रीति करते, उनका आरोग्य का रस शरीर में ही बन जाता है, ज्ञान का प्रकाश अंतरात्मा से ही आता है, और उनको खुशी के लिए पिक्चर नहीं देखना पड़ता। मैं पिक्चर नहीं देखता हूँ। वो घर के लोग लेके गए थे तो मैं रोते रोते बाहर निकला कि भगवान क्या दिखा रहे हैं। तो पिक्चर पर क्या, टीवी बीवी में नहीं देखता। कभी दो साल चार साल में जरा सा कोई खबर दिखाई, दो मिनट में का बंद करो। ये क्या बाहर का देखना, अंतरात्मा का आनंद बहुत है, ज्ञान बहुत है, काय को बाहर का देख देख के बच्चों की तो बिचारों की आंखें खराब हो गई, चरित्र खराब हो जाते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बलि राजा ने यज्ञ आरंभ कर दिया। यज्ञ में ब्राह्मणों को दान मिले, जिनको यज्ञ आयागी को दक्षिणा मिले, सारी सुंदर व्यवस्था। वहाँ अदिति के यहाँ भगवान वामन रूप में प्रकट हुए, दंड करमंडल मेखला आदि धारण करके दे दीप्यमान तेजस्वी रूप से बलि राजा के यज्ञ में बाल ब्रह्मचारी आ रहे हैं। उनका दर्शन करके बलि राजा और उनके अनुचर सब गदगद हो गए। बलि राजा उठ खड़े हुए, उनको ऊंचे आसन पर बिठाया, उनका पूजन किया। हे ब्रह्मचारी, आज हमारा यज्ञ मंडप तुमने पवित्र किया है। आप जैसे तेजस्वी प्रभावशाली लोक आने से गृहस्थियों का जीवन धन्य होता है। आपकी मैं क्या सेवा करूं, मेरे पास से कोई एक बार मांगता है तो दोबारा नहीं मांगना पड़ता है। अभी भी देखो बलि को, मैं हूं, मेरा है,
जो कुछ मांगना है मांग लो, ब्रह्मचारी हो। भगवान बोलते मेरे को तो तीन पैर पृथ्वी चाहिए। बलि राजा हंसे कि है तो तेजस्वी, है तो बहुत अच्छे, लेकिन बच्चों जैसी बुद्धि है। तीन पैर पृथ्वी मांग के क्या करते ब्राह्मण, अभी बच्चे हो। मैं तो आपको कितना भी दे सकता हूं, मेरा खुदता नहीं है। मैं आपको है खंड का खंड दे सकता हूं, जिसमें कई गांव कई शहर कुछ भी हो, ऐसा कुछ मांगो नहीं मांगना पड़े। तब भगवान बोलते जिसको संतोष नहीं है उसको सारी पृथ्वी का राज मिलने से भी शांति नहीं है। संतोषी ब्राह्मण सुखी रहता है। संतोष परम धन है। वासना खपे खपे, ये गहने चाहिए, ये फर्नीचर चाहिए, ये फलाना चाहिए, ये चाहिए, बाहड़ में जाए जो है वो भी छोड़ के मरना है। इसका मंगल सूत्र अच्छा है, उसकी वो साड़ी अच्छी है, उसकी नाक अच्छी है, उसका ही, अरे सब जलने वाले हैं। सब में अच्छे में अच्छा मेरा भगवान है। ऐसे शांति पाले बेटे, उसकी आंख अच्छी है, उसकी नाक अच्छी है, उसकी सासू अच्छी है, उसकी बहू अच्छी है, अरे सब मरने वाले, अमर परमात्मा ही अच्छा है। बोले ये काय को सोचती है, इसका मकान अच्छा है, इसका टेबल कुर्सी अच्छा है, उसका बबलू अच्छा है, अरे अच्छे में अच्छा तेरा अंतरात्मा है, जिससे वो दिखता है, उस अंतरात्मा की सब लीला है। ऐसा समझ के अंतरात्मा में आओ, किसी की बबली देखा, किसी का बबलू देखा, किसी की नाक देखी, ऊंची करके देख तो क्या भरा है नाक में। ये सुंदरी है, सुंदरा है, चमड़ा हटा के देखो तो क्या भरा है, अच्छी। फिर भी अच्छा लगता है तो मेरा भगवान ही, सबको अच्छा बनाते भगवान ही, सबके सारे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम हरि नारायण गोविंद। भगवान नाम स्मरण करके अपने हृदय को अच्छा बना, दूसरे में अच्छाई देखोगे तो आसक्ति हो जाएगी, बंधन हो जाएगा। फलाना बगीचा अच्छा उधर भटको, फलाने का घर अच्छा उधर, अरे अच्छे में अच्छा तो मेरा चैतन्य प्रभु है। ओम आनंद ध्यान लग जाएगा, प्रेम रस आएगा, भक्ति आएगी। उधर बढ़िया है, उधर बढ़िया है, तो इधर क्या है। सबसे बढ़िया में बढ़िया तुम्हारा अंतरात्मा है, जिसको प्यार करते हा, ये अच्छा है। तुमने अच्छापन डाला, इसको तो पता ही नहीं है। तुम्हारा आत्मा ही जिसको अच्छा मानता है, रस डालता है, उधर रस आता है। ये अच्छा है, ये अच्छा है। तुम्हारा अंतरात्मा अच्छा है, जिसको अच्छा बनाते तो अच्छा, जिसको बेकार बोलते तो बेकार हो जाता है। ऐसे अंतरात्मा परमेश्वर को ओम नारायण हरि। शुद्ध का शुद्ध है, अच्युत है, गोविंद है, माधव है, ओम ओम ओम। ब्राह्मण कुछ मांग लो तो शुक्राचार्य बड़े चालाक थे, उनके गुरु बोले तो भगवान है, वामन रूप लेके आए अभी बड़े बनकर, एक पैर में तो पृथ्वी दूसरे पैर में स्वर्ग ले लेंगे, तुम कहाँ चले जाओगे। तुमको तीन पैर पृथ्वी दे देते हो फिर तुम कहाँ रहोगे। बलि बोलते जो देने वाला है वो ही मांग रहा है, मैं तो कहीं भी रहूंगा, लेने वाला सब जानता है। तो गुरु होशियार तो थे, लेकिन भगवान का महत्व से भी बलि की संपत्ति का महत्व रखते थे, तो ये होशियारी उल्टी गई। बलि ने तो भगवान को अर्पण कर दिया, और भगवान फिर क्या हुआ, तो स्वर्ग का राज तो इंद्र को दे दिया, लेकिन सुतल का राज बलि को दे दिया। और बलि मैं तेरे राज का रखवाला हो जाऊंगा। भगवान वामन रूप में बलि के राज्य के चौकीदार हो। बड़ा राज्य फला फूला, रावण ने सुना के सुतल लोक में बलि का राज बड़ा प्रभावशाली है। मैं लंकापति रावण हूँ, मेरे से बलि क्या होता है। वो सुतल लोक में आया तो छोटा सा द्वारपाल, मेरे को बलि से मिलना है।
बोले मैं नहीं जाने दूंगा, हाँ मैं दूसरे द्वार पे जाता हूँ। दूसरे द्वार पे जाए तो वो ही छोटा, भगवान तो कहीं भी प्रकट हो जाए, जिधर भी जाए तो वामन वामन वामन। अरे तुम कैसे, कैसा चौकीदार सब जगह तुम, ऐसा करके यूं को नहीं मारता। तो भगवान ने अपने पैर से रावण को, पैर को ऐसा ठोकर मारा कि रावण गुलाटी खाते खाते लंका में पहुंच गया। दोबारा बल्ली के तरफ आंख उठा के नहीं देखा। लक्ष्मी जी ने देखा कि भगवान तो गए वामन रूप लेके बलि के पास, अभी तक आए नहीं, उनके द्वारपाल हो गए, मैं उनको कैसे छुड़ाऊं। तो रक्षाबंधन के दिन में लक्ष्मी जी भी आई राखड़ी बांधने के बहाने, रक्षा बांधी। बोलो तुम तो रक्षा बांध राखड़ी बांधती हो, मेरी बहन हो, मांगो क्या मांगती। बोले तुमने सब कुछ लेके जिसको अपना द्वारपाल बनाया है, तुम मेरे भाई हो, उसको छूटा करो ना। तो लक्ष्मी जी भी मांगती, नारायण भी मांगते, कैसा बलि की भक्ति है। प्रहलाद के कुल में बलि राजा हो गए। भूतपूर्व वो शराबी थे, लेकिन एक संत के द्वार पर ठोकर खाई, मूर्छित हुए, सद्बुद्धि आई, फिर राजा बलि बन गए। सत्संग, जिस जगह पर सत्संग के विचार होते वो जगह कितनी पवित्र होती, जो सत्संग सुनते उनकी बुद्धि कितनी पवित्र होती, जो सत्संग सुन के भगवान का जप और ध्यान करते उनका रक्त पवित्र होता है। भगवान शिव जी कहते कि पार्वती उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति है।